जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं कि मॉडल पेपर जो होता है वो जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसी के मानकों को पूरा करता हुआ बनाया जाता है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहले है प्रश्नों को पढ़ा जाता है और आपको टाइम जो बोर्ड पेपर में दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 15 मिनट जो शुरुआत के टाइम दिए जाते हैं वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप उसे बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न जो होता है बोर्ड में वह होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन योर आंसर शीट। पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें वह यह है पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा परागण विज्ञान बोलते हैं, पैलियोनोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपिक भ्रूण कोश में होते हैं, एक जो मैच्योरिटी होती है एम्ब्रियोसिक की उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो याद रखिएगा 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स। जब अब ये वाला आप चित्र बनाएंगे जिसमें यहाँ पे ऊपर एंटीपोडल और यहाँ पे सिनेरिक्ड एंड एक्सेल, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2n होता है और बाकी ये सब n होते हैं। तो आप जब इसको चित्र को ध्यान आएगा तो आप इसको हल कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन की क्रिया कहाँ होती है। एंजियोस्पर्म प्लांट की मुख्य विशेषता है डबल फर्टिलाइजेशन। आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्म प्लांट में किए मेन खासियत है द्विनिषेचन की क्रिया। तो याद रखिएगा ये एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण के निर्माण को कहते हैं। जब कोई बिना निषेचन के ही किसी अंड कोशिका से बनता है तब हम इसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है, अनिषेक जनन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है। अगला है नर हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं जिससे ग्लैंड सेक्रेटेड मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन याद रखिएगा मेल सेक्स हार्मोन किससे स्रावित होता है, वह है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स द्वारा टेस्टिस में पाई जाती हैं और लीडिंग सेल्स द्वारा ये स्रावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु के किस भाग में माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है। आप जब किसी स्पर्म का फिगर देखेंगे तो माइटोकांड्रिया कहाँ पे उस पे होता है, विच पार्ट पे उसको आप देखेंगे तो आप जब आप ऐसे देखेंगे तो इसके मिडिल पार्ट में यहाँ पे ये हेड होता है, ये मिडिल पार्ट होता है, ये टेल होता है, तो मिडिल पार्ट पे माइटोकांड्रिया स्थित होता है। इसका ये सही हो जाएगा मध्य भाग में वह स्थान जहाँ मनुष्य में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब आप किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे ऐसे करके तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कहाँ पे ये है, तो इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यही है फैलोपियन ट्यूब और यहीं पे इधर से स्पर्म जाते हैं और यहाँ से एग आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये प्रक्रिया होती है। अगला है जंतुओं की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं। फर्स्ट होता है प्रथम कोशिका। आप देख रहे हैं इसमें स्पर्म भी दिख रहा है तो कन्फ्यूज ना होइएगा, स्पर्म पे नहीं लगाएंगे, अंडाणु पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट सेल्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हैं, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हैं, लेकिन युग्मनज होता है जो जायगोट होता है इसमें नंबर ऑफ सेल्स कंप्लीट हैं और ये आगे चल करके एक नए जनरेशन को डेवलप कर सकती है, इसलिए इसे हम प्रथम कोशिका कहते हैं। अगला पेज देखते हैं आते हैं कौन सी विधि द्वारा हार्मोन में जन्म दर नियंत्रित की जाती है। तो याद रखिएगा IUD पुरुष नसबंदी, महिला कंडोम और गोलियां।
हार्मोन्स से आप एक चीज देख रहे होंगे कि सभी जितने भी इसमें दिखाए गए हैं ये सभी मेथड जो हैं, ये सभी मेथड ये बर्थ कंट्रोल में हेल्प आते हैं, चाहे वो आईयूडी हो चाहे वो पिल्स हो, सभी इसमें हेल्प आते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वह जो केवल हार्मोनों द्वारा इन्फेक्टेड हो, तो हार्मोनों के द्वारा जब पूछा जाएगा तब आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि हार्मोन के बारे में, हार्मोन से जब पूछेगा तो आपको केवल हार्मोन्स द्वारा जो आती हैं तो उसे गोलियां होती हैं, ठीक है, पिल्स जिनको बोला जाता है, गोलियों द्वारा। बाकी तो इनको जान रहे हैं, ये एक्सटर्नल यूज की जाती हैं, ये ऑपरेशन द्वारा होती हैं। आईयूडी भी एक डिवाइस होता है, इसको यूटेरस में फिट किया जाता है, लेकिन केवल पिल्स होती हैं, जो पिल्स होती हैं इन्हीं के द्वारा ये होता है। आगे देखेंगे, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का दृश्य रूप होता है, फिनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडेलिनियन हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडेलिनियन हाइब्रिड क्रॉस का जो होता है ये आप हमेशा याद रखिएगा कि 9-3-3-3 होता है। अब इसको मेंडल के जो थर्ड लॉ थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अनुसार स्वतंत्र अभिगुण के नियम के अनुसार आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिएगा, आपको इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, और आगे फिर चल करके आ रहा है एक एक नंबर के क्वेश्चन। पहला है, अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं। अब आपको 60 वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, आपको 60 आंसर देना होता है। अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं, याद रखिएगा मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल। व्हाट इज हेरिडिटी, अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में आना अनुवांशिकता कहलाता है, और इसी को ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, मटर का वनस्पतिक नाम क्या है। तो आपको मटर का वनस्पतिक नाम मालूम होगा, पाइसम सटाइवम, जिस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस्टडी का पूरा नाम, यस्टडी का पूरा नाम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसी तरह से इसमें IVF पूछता है, IVF क्या होता है ये पूछता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये शार्ट नेम से फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, इसे भी आप तैयार करिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ये अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। गुणसूत्र एकाधि सूत्रता के कोई दो उदाहरण, गिव एन टू एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का उदाहरण पूछ रहा है जिसमें एक ज़्यादा हो जाए, तो जैसे आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम, उसमें एक ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से ये पूछ रहा है जिसमें ट्राइसोमी हो जाए, ये याद रखिएगा 2n+1 अर्थात 3n हो जाए, जब गुणसूत्रों की संख्या ट्राइसोमी हो जाए, 3 हो जाए, तो इसे ट्राइसोमी बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। डीएनए क्या है, डीएनए के बारे में लिखना बहुत ध्यान से लिखिएगा। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, और डीएनए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लाने ले जाने का कार्य करता है। डीएनए के बारे में लिखना है, और बहुत ही बड़ा नहीं, केवल एक नंबर का है, आप दो एक लाइन में ख़त्म कर लेंगे। राइबोज शर्करा का रासायनिक सूत्र, देखिए राइबोज शर्करा पूछा है, C5H10O5 पर ध्यान दीजिएगा, C5H10O5 राइबोज शर्करा का रासायनिक सूत्र होता है। डीएनए की संरचना किसने प्रस्तुत की थी, तो वाटसन और क्रिक, याद रखिएगा वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलके डीएनए का BDNA मॉडल प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछता है वाटसन और क्रिक ने कौन सा डीएनए मॉडल दिया था, तो BDNA मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, ADNA में प्रति कुंडलन में कितने क्षार युग्मन पाए जाते हैं। तो ADNA में याद रखिएगा कि ADNA में होते हैं 11, ये 11 होते हैं, 9 सही है, Z में 11 होते हैं, और ADNA में आप इसको कर लीजिएगा 9 नाइट्रोजनस बेसों का जो पैटर्न होता है इसमें वो 9 होता है।
प्रतिकुंडलन में चार युग्मनों का पाया जाना फण होते हैं, नौ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए व्हाट इज पूछ रहा है, इनिशिएशन कोडान समारंभन कोडान कौन से होते हैं, तो AUG को इनिशिएशन कोडान कहते हैं। आप कोडान पढ़ेंगे तो 64 कोडान होते हैं, इन कोडानों के बारे में है। कायिक एवं लैंगिक जनन में अंतर, तो सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अंतर के लिए आप बताएंगे। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अंतर बताएंगे कि वेजिटेटिव में उसके पेरेंट्स के किसी भी बॉडी पार्ट से, चाहे वो स्टेम हो रूट हो, उससे नए जनरेशन की उत्पत्ति होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का प्रयोग होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो ट्रेट निकलते हैं, जो उनकी संतानें होती हैं, एकदम इक्वल अपने पेरेंट्स के होती हैं, वन पेरेंट्स के होती हैं, और जबकि गैमिट फॉर्मेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो दो फ्लावर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या दो प्लांट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है। अगला देखेंगे टेस्टिस की अनुप्रस्थ का नामांकित चित्र। तो आपको टेस्टिस का अनुप्रस्थ का नामांकित चित्र अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इससे देख करके इसको बना लेंगे। टेस्टिस का चित्रों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो चित्रों के बार बार बना करके उनका नामांकित चित्र होना आवश्यक है। इस चीज़ को आप ज़रूर करते रहेंगे और आप अभ्यास में अपने रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस में अंतर। आपको ये दोनों को चार्टों द्वारा बनाना होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। चूँकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, एक चित्र आपको दिखा दे रहा हूँ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन क्यों किया था, क्योंकि बहुत बड़े नहीं होते थे, इनमें पॉलिनेशन रोका जा सकता था और इनकी लाइफ छोटी होती थी और आसानी से उद्यान में उगाए जा सकते थे, तो इसलिए मेंडल। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो भी करैक्टर था वो अलग अलग जीन पे थे, इसलिए मेंडल ने इसको चयन किया था। मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही डोमिनेंट करैक्टर आपको शो करने हैं, बहुत ही अच्छा है। अगला है चारगाफ का रूल। तो चारगाफ का रूल याद रखिएगा, ये DNA में चारगाफ का रूल आता है कि कैसे नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं, उसके बारे में है, कितना परसेंटेज है ये लिखना है, ये सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, चारगाफ का रूल। अगला क्वेश्चन है तो चौथा DNA की संरचना का सचित्र वर्णन। आप DNA की संरचना का सचित्र वर्णन कई बार बनाए होंगे, आप उसका सचित्र वर्णन कर लीजिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, इसकी दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, ऐसे करके इसको पूरा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा चौथे में अथवा करके क्वेश्चन आता है, तो चौथे में अथवा है DNA की संरचना का वर्णन करें या फिर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है सब विस्तार लिखें। दूसरा है लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके बारे में लिखना है। या फिर इसी में अगला क्वेश्चन अगर ये नहीं आ रहा है तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये दोनों में से एक हल करना है। छठा क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में लिखना है। और उससे अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, उसमें 2-3-4 जो भी आपको याद हो, जैसे सिफिलिस है, गोनेरिया है, इनके बारे में आप अपना लिख दीजिए। और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जब भी डिस्क्रिप्शन कीजिएगा तो फिगर ज़रूर बनाइएगा, फिगर बनाते हुए इसे हल करना है। और एक और आएगा, देखते हैं, बस इतना ही हो गया। इसमें देखेंगे ये कुल हमारे जो क्वेश्चन आते हैं 9 क्वेश्चन होते हैं, स्प्रिंट है यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन समझ गए होंगे। और याद रखिएगा लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।